आज का विषय है वॉशर। जब नट और बोल्ट के प्रयोग के साथ जब टेम्पोररी फास्टिंग की जाती है तो उसके साथ वॉशर का प्रयोग करना आवश्यक होता है। वॉशर एक शीट की बनी हुई गोल धातु का टुकड़ा होता है जिसके केंद्र में एक छिद्र होता है। उस छिद्र में हम बोल्ट के थ्रेड वाले भाग को लगाते हैं और उसके बाद किसी भी मशीन के साथ नट प्रयोग करके वॉशर का प्रयोग किया जाता है। वॉशर टेम्पोररी फास्टिंग में प्रयोग होता है। फास्टनर वॉशर का प्रयोग जब करते हैं तो निम्न लाभ होते हैं। पहला है फ्रिक्शन ग्रिप बढ़ाता है। वॉशर के प्रयोग से मशीन के सतह पर अगर फिसलन हो तो वहां पर अगर हम वॉशर का प्रयोग करेंगे तो वह उस ग्रिप को फिसलन को रोकता है और ग्रिप को बढ़ाता है। नंबर दो है मशीन कंपन में नट ढीला नहीं होता है। मशीन जब चालू स्थिति में होता है तो उसमें वाइब्रेशन होता है अर्थात कंपन होता है, तो उस कंपन को रोकने के लिए अगर हम वॉशर का प्रयोग करते हैं तो वह नट ढीला नहीं होता है। नंबर तीन जॉब की सतह को सुरक्षित रखता है। मशीन का ऊपरी सतह जहां हम बोल्ट या नट का प्रयोग करते हैं तो अगर हम बिना वॉशर का प्रयोग करेंगे तो वह सतह खराब हो सकता है। नट के हेड, बोल्ट के हेड या नट से घर्षण के कारण वह सतह खराब हो सकता है। इस प्रकार वॉशर जब लगाएंगे तो वह सतह सुरक्षित रहेगा। नंबर चार बल को अधिक क्षेत्रफल में विभाजित कर देता है। वॉशर लगाने के बाद अगर हम बोल्ट को टाइट करते हैं तो दबाव का जो क्षेत्रफल है वह बढ़ जाता है और अधिक क्षेत्रफल में दबाव बनता है जिससे आपका मशीनिंग कार्य आसानी से सुरक्षित तरीके से होता रहता है। इस तरह से इसका उपयोग होता है या लाभ है। स्पेसिफिकेशन अर्थात वर्गीकरण। वॉशर का वर्गीकरण निम्नलिखित से किया जाता है जैसे टाइप के अनुसार किस प्रकार का वॉशर हमको प्रयोग करना है, साइज के अनुसार, इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार और मटेरियल के अनुसार। मशीन वॉशर ये आपका टाइप हो गया, किस टाइप का वॉशर है तो मशीन टाइप का वॉशर है। 10 साइज हो गया उसका क्षेत्रफल डाया 10 हो गया। इंडियन स्टैंडर्ड का नंबर है और ये मटेरियल है, मटेरियल अर्थात ब्रास या माइल्ड स्टील कुछ भी आप यहाँ पर हो सकता है। मटेरियल किस किस धातु का वॉशर बनाया जाता है, फेरस और नॉन फेरस। फेरस का अर्थ ये होता है जिस धातु में लोहा आधार है अर्थात लोहे का अंश है जिसको चुंबक अपनी तरफ आकर्षित करता है उसे फेरस मेटल कहते हैं, और जिस धातु को चुंबक अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता है अर्थात उसमें लोहा आधार नहीं है वह नॉन फेरस होता है। तो मटेरियल में का फेरस और नॉन फेरस दोनों प्रकार के मटेरियल के वॉशर पाए जाते हैं। अब टाइप्स, कितने प्रकार के वॉशर प्रयोग किए जाते हैं। नंबर एक प्लेन वॉशर। प्लेन वॉशर का अर्थ होता है साधारण वॉशर जिसको एक शीट को काट करके गोल साइज में उसके बीच में एक छिद्र कर दिया जाता है तो वह आपका प्लेन वॉशर कहलाता है। प्लेन वॉशर दो तरीके से बनता है, पहला हाथ के द्वारा और दूसरा मशीन के द्वारा। हाथ के द्वारा बना हुआ जो वॉशर होता है वह साधारण कार्य में प्रयोग होता है, बनावटी कार्य में प्रयोग होता है। मशीन वॉशर का प्रयोग मशीन के साथ प्रयोग करते हैं, ये दोनों में अंतर होता है। नंबर दो है टेपरेड वॉशर। टेपरेड वॉशर का अर्थ ये है कि आपका गोलाई जो होता है गोल होगा और एक तरफ से टेपर होगा अर्थात उसका बनावट जो है इस प्रकार से
होगा जो कि क्रॉस सेक्शन में इस तरह से दिखाई देगा। टेपरेड वाशर का प्रयोग वहां करते हैं जहां मशीन का सतह तिरछा हो यानी टेपर हो, उस टेपर को समानांतर करने के लिए टेपर वाशर के प्रयोग से संपूर्णता में बोल्ट या नट को हम टाइट करते हैं। वहां पर प्रयोग करने के लिए एक से अधिक वाशर का प्रयोग किया जाएगा। एक से अधिक वाशर के प्रयोग से क्या होगा कि मशीन का ऊपरी सतह समानांतर हो जाएगा। नंबर एक वाशर, नंबर दो वाशर, जब दो वाशर को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है तो ऊपरी सतह समानांतर हो जाता है अर्थात सीधा हो जाता है। इस प्रकार हम इस पर नट या बोल्ट का प्रयोग कर सकते हैं, नट या बोल्ट का प्रयोग कर सकते हैं। नंबर तीन है स्प्रिंग वाशर। स्प्रिंग वाशर एक धातु का गोल टुकड़ा होता है जिसको एक तरफ से काट दिया जाता है। इस तरह से ये भाग नीचे की तरफ होता है और ये भाग ऊपर की तरफ होता है। इस प्रकार के वाशर का प्रयोग वहां पर किया जाता है जहां मशीन में बहुत अधिक कंपन हो, वाइब्रेशन हो, तो वहां इस प्रकार के वाशर का प्रयोग करते हैं जिससे नट या बोल्ट ढीला नहीं होता है। नंबर चार है टैब वाशर। टैब वाशर को हम लॉक वाशर भी कह सकते हैं। इस प्रकार का वाशर जब प्रयोग करते हैं तो नट या बोल्ट के हेड के साथ एक तरफ से इस वाशर को मोड़ दिया जाता है जो कि नट को लॉक करने का काम करता है। मशीन में वाइब्रेशन होता है तो नट ढीला होने की संभावना होती है, तो वहां पर इस प्रकार का नट प्रयोग करते हैं, वाशर प्रयोग करते हैं, जिससे कि आपका नट या बोल्ट ढीला नहीं होता है। नंबर पांच टूथ वाशर। इसकी बनावट इस प्रकार की होती है, किनारे किनारे इसके दांत बना होता है जिसका प्रयोग, दांत का प्रयोग होता है ग्रिप को बढ़ाना। अगर मशीन के सतह पर फिसलन हो अर्थात अधिक चिकनाहट हो तो वहां पर ग्रिपिंग के लिए टूथ वाशर का प्रयोग किया जाता है जो कि मशीन के सतह के साथ ग्रिप को बढ़ाता है और नट और बोल्ट को ढीला होने नहीं देता है। इस प्रकार पांच तरह के वाशर प्रयोग किए जाते हैं। उपयोग, उपयोग क्या क्या है? नंबर एक, टेम्परेरी फास्टनिंग करते समय पार्ट्स की सरफेस पर नट से खुरचन लगने से बचाने के लिए। फास्टनिंग में अगर विदाउट वाशर का प्रयोग करेंगे तो ऊपरी सतह खराब हो सकता है, खुरच सकता है बोल्ट के हेड से या नट से। इस प्रकार अगर हम वाशर प्रयोग करेंगे तो सतह को बचाया जा सकता है। नंबर दो, टेम्परेरी फास्टनिंग करते समय अच्छी ग्रिपिंग लाने के लिए, अच्छी ग्रिप के लिए, अच्छी पकड़ के लिए, ताकि आपका नट बोल्ट ढीला ना हो, इसलिए वाशर का प्रयोग किया जाता है। नंबर तीन, नट और पार्ट्स के बीच में स्पर्श का क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए, स्पर्श का क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए वाशर का प्रयोग करने से उसका दबाव क्षेत्रफल बढ़ जाता है। नंबर चार, नट पर कंपन या झटके का असर कम करने के लिए। नट पर कंपन या झटका लग रहा है किसी मशीन में तो उसके असर को कम करने के लिए वाशर का प्रयोग करते हैं जिसमें हम स्प्रिंग वाशर का प्रयोग करेंगे। वहां पर हम स्प्रिंग वाशर का प्रयोग करेंगे। नंबर पांच, फिटिंग करते समय एडजस्टमेंट के लिए फिट करते हैं। अगर वहां पर थोड़ा बहुत सतह में हाई स्पॉट है, हाई स्पॉट है अर्थात थोड़ा सा ऊंचा स्थान है, ऊपर खापड़ की तरह है, तो वहां वाशर लगाने से एडजस्ट कर लेता है उस खुरदुरे सतह के लिए। तो इस प्रकार वाशर का प्रयोग किया जाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।